हेलो गाई, ये हमारे पास सैमसंग वाशिंग मशीन है। टॉप लोड मशीन की पीसीबी आई है। ये मैंने इसके साथ ये इसकी वायरिंग कर दी है। इसमें IE का एरर कोड आ रहा है। मैं आपको चला के दिखाता हूँ, ऑन करता हूँ एक बारी। तो इसको ऑन करते हैं, स्पिन पे लगा के इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसमें IE का एरर कोड आ रहा है। तो इसको हम चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम क्या है। वॉशिंग मशीन में पानी डला हुआ है, ये हम आपको चेक करवाते हैं। इसमें इसके प्रेशर जैसे में काफ़ी ज़्यादा कार्बन आ गई है। ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा इसमें कार्बन आ चुकी है प्रेशर में पानी डालने की वजह से। अभी हम इसको साफ़ करेंगे, इसके जग को भी अच्छी तरह से साफ़ करके फिर लगा के चेक करते हैं। ये अभी हमने प्रेशर सेंसर को क्लीन कर दिया, इसमें अच्छी तरह से इसको रेगमल लगा के क्लीन कर दिया, इसका जग भी क्लीन कर दिया। अभी हम इसको चलाकर चेक करते हैं, इसमें लगा के एरर गया है या नहीं। अभी हमने इसको स्पिन पे चला दिया, होप अब IE एरर नहीं आएगा। हमने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर दिया प्रेशर सेंसर को। अब ये इसमें टाइम कम होना शुरू हो जाएगा। अगर टाइम कम हो गया, इसका मतलब जो IE की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। इसमें सप्लाई भी चेक कर लेते हैं। इसको न्यूट्रल में लगा देंगे, ये पीली वाली ये न्यूट्रल है और ये ब्लैक ये ड्रेन मोटर की है। ये ड्रेन मोटर की सप्लाई आ गई है, ठीक है। और हम उसकी भी सप्लाई चेक कर लेते हैं, मोटर की। तो देखो, एक पीली तार और एक लाल तार, ये मोटर की है। मोटर का भी सप्लाई जा चुकी है। बस